कभी कभार बहुत ऐसा लगता है कि यार यू नो कि छोड़ ही दूं इन सब चीजों को। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। तो अभी यहाँ से इतनी रात को मैं व्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ क्योंकि कुछ अपना काम आ गया था और कॉलेज का ही काम था, तो वो ज़्यादा ज़रूरी था और सबसे पहले इम्पॉर्टेंट काम था, वो करना था। तो वो अभी जस्ट अभी हुआ है, शाम को हुआ है। तो मैं घर से सीधा यहीं आया हूँ और अभी पहले कॉफ़ी ले लेता हूँ, वरना पापा मम्मी दोनों चिखेंगे तो ले लेते हैं। कॉफ़ी तो मिली है बट ये कुछ ज़्यादा ही छोटा मिला है बिल्कुल ही, मतलब वो एक्चुअल में ये हम लोग मेरे लिए तो ये 3-4 दिन का ही है, क्योंकि मतलब कभी कभार 2 दिन की 2 डेज पर 2 टाइम पर डे हो जाता है, कभी कभी वन वन टाइम पर डे हो जाता है। बट कॉफ़ी बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाती है हमारे घर में, तो देखना पड़ेगा कोई बड़ा हो या नहीं, बड़ा मतलब बड़ा कॉफ़ी वाला डब्बा है या नहीं, तो देखेंगे। चलो गाइस, आप यकीन नहीं करोगे क्या किया मैंने। अभी जस्ट मम्मी सामान निकाल रही थी तो मम्मी ने सारे दरवाजे बंद कर दिए थे। मम्मी ने क्या, मैंने बंद कर दिए थे। मुझे लगा चाबी ढूंढ रहा हूँ, चाबी कहाँ है, पता चला गाड़ी में ही लगी हुई है और बच गया। पता चला चाबी के लिए फिर वही तरीके निकालो कि कैसे वो शीशे को नीचे करके तब हम गाड़ी की चाबी निकाल पाते हैं। अल्लाह सेम वही होने वाला था केस, बट चलो भगवान का लाख लाख शुक्र है अकल आ गया और दिख भी गया मेरे को, वरना आज डांट पड़ जाती अच्छी खासी मेरे को। हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। और आज का कुछ ज्यादा ही कमाल का दिन गया है, बिकॉज अभी एक पेपर दिया है जस्ट, और पेपर मतलब इट वाज जस्ट अ नॉर्मल पेपर फॉर द कंपनी, और अभी जस्ट उसका पेपर दिया है एंड आई जस्ट गॉट फ्री। बट आई एम सीइंग मोर ऑफ द यू नो वीडियोज एंड काइंड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग स्टफ, कि यार थोड़ा और अपग्रेड हो जाए इसमें, मेरी थोड़ी नॉलेज और अच्छी हो जाए, और आई वॉज जस्ट डूइंग दैट। ऑल राइट, शाम हो गई, शाम के बज रहे हैं 6 बज रहे हैं, और अभी जस्ट मैं अब जाके फ्री हुआ हूँ थोड़ा, मतलब काम से जाके अब जाके फ्री हुआ हूँ। सो नाउ आई थिंक आई शुड गो टू द ऑफिस। और पहली बात, अगर ऑफिस को फॉलो नहीं किया तो जरूर फॉलो करो, लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन में, वेबसाइट का तो जरूर फॉलो करो। और अभी चलते हैं यहाँ से ऑफिस और देखते हैं, अभी शायद मम्मी आने वाली होंगी आई थिंक, और पता नहीं कब आएंगी, क्योंकि एक तो दिल्ली से आ रही है, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, स्पेशली एट NH 24 पे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा क्योंकि जाम बहुत है, और ज्यादा जाम होने की वजह से मम्मी को बहुत ज्यादा टाइम लगेगा कि NH 24 से लेके घर तक का बहुत ज्यादा केओस हो गया पूरा, मतलब पूरा मतलब गाड़ी उल्टी घुमानी पड़ती है कि आप नोएडा जाओ, नोएडा से फिर आप आओ इंदिरापुरम, तो इट्स रियली टफ ड्राइविंग फ्रॉम NH 24 टिल आवर होम। तो बहुत ज्यादा केओस हो गया है, बहुत ज्यादा जाम क्रिएट हो गया, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है अब, और स्पेशली ड्राइविंग में। और तो अभी देखते हैं, मम्मी आई थिंक आ जाएंगी 6:30, मतलब 6:45 तक आ जाएंगी तो ज्यादा ज्यादा, और टिल देन अभी चलते हैं यहाँ से ऑफिस। और आज वो भी देखना है कि मम्मी जिम भी जा पाएंगे नहीं, आई डोंट थिंक सो कि माई मॉम विल गो टू द जिम, बट आई गेस आई हैव टू गो टू द जिम बाय माई सेल्फ, और देखते हैं क्या होता है, बाकी आपको तो पता ही लग जाएगा। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, हाँ तो भाई
अब ऐसा लग रहा है कि शायद से ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा, शायद अभी थोड़ा सा अनक्लियर है क्योंकि कुछ पता नहीं, हो सकता है मम्मी घर आ जाए, हो सकता है कि मुझे वहां जाना पड़े, आई डोंट नो। अभी थोड़ी देर में पता ही लग जाएगा, अभी तो शाम हो गई है, अभी तो 6:30 बजे हैं, आधे घंटे ही गुजरा है। बट यार कुछ चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ यार, आज पता नहीं क्या ऐसा आज मन कर रहा है बात करने का, वैसे तो मैं हमेशा ही करता हूँ, कुछ ऐसा नया दिखाता भी नहीं हूँ ब्लॉग में। यार बात ये करना चाहता हूँ यार कि यार आज मैं ना सोच रहा था कि यू नो काइंड ऑफ आज थोड़ा म्यूजिक का ट्राई करूँ, थोड़ा मतलब अपने म्यूजिक पे थोड़ा कंसंट्रेशन थोड़ा सा दूँ। मतलब इट्स जस्ट दैट कि वो हो नहीं पा रहा है, मैं बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा हूँ म्यूजिक पे अपना फोकस, बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा हूँ। बट पता नहीं क्यों यार, आई रियली डोंट नो कि ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि आई वॉजेंट लाइक यू नो आई डोंट वॉन्ट टू डू इट, आई डोंट रियली वॉन्ट टू ट्राई इट एट ऑल, मतलब ऐसा तो कभी नहीं आया। बट यू नो फॉर फॉर द लास्ट आई थिंक फ्यू फ्यू वीक्स मेरे को ऐसा फीलिंग आ रही है धीरे धीरे कि यार म्यूजिक करने का मन नहीं है, मन नहीं है, मन नहीं है, नहीं करना, नहीं करना, पता नहीं क्यों यार, बहुत अजीब सा ही लगता है। मतलब बट पता नहीं क्यों ऐसा अजीब सा ही लगता है, यू नो इट्स अ रियली डिमोरलाइजिंग थिंग एंड इट्स रियली अ डिसअपॉइंटिंग कि यार ऐसी चीज़ें मेरे दिमाग में आती जा रही हैं और मैं इस चीज़ को मैं कर रहा हूँ, और मतलब जो कि उसका उल्टा करना चाहिए वो उल्टा भी छोड़ो, मतलब क्या हो रहा है, मतलब क्या। कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना कि यू नो फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर हैविंग एनी हॉबी, कभी कभार होता है ना कि गुस्सा निकाल रहे अपने हॉबी पे और उसको मतलब हॉबी को ऐसा रहता है ना कि मतलब करने का मन करता है, फिर उसके बाद ऐसा लगता है कि यार गुस्से में है, करने का मन नहीं है, अब क्या अपना टाइम लगाएं फालतू में और दिमाग खराब हो जाएगा। पता नहीं यार, मतलब ऐसी चीजें दिमाग में आती जा रही है, मतलब करने का भी मन नहीं कर रहा है बिल्कुल। मतलब मैं टू बी टोल्ड मैं लैपटॉप पे बैठा हूँ बहुत टाइम से, मैं काम भी कर रहा हूँ, मैं यूट्यूब भी देख रहा हूँ, मैं पढ़ भी रहा हूँ, बट इट्स जस्ट दैट कि मतलब जब कभी बात आती है ना म्यूजिक पे तो म्यूजिक कभी करने का मन ही नहीं करता है और बहुत टाइम से हो रहा है। एंड दैट्स द मेन रीजन कि यार ऐसा होने की वजह से यू नो आई एम नॉट पोस्टिंग एनी काइंड ऑफ वीडियोज ऑन माई अदर यूट्यूब चैनल, अगर नहीं देखा तो जरूर जाके देखो, सब्सक्राइब कर लेना। और अब पता नहीं आएंगी या नहीं आएंगी, इट्स रियली यू नो इट्स रियली डिसअपॉइंटिंग थिंग फॉर मी यू नो, क्योंकि मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट उसी यूट्यूब चैनल से करी थी एंड नाउ आई एम फीलिंग रियली रियली मोर एनर्जाइज्ड द वे आई वॉज बिफोर। और इट्स जस्ट कि यार मतलब चाहता हूँ यार कि मतलब ये चीज़ ना जो मेरे दिमाग में होती है वो निकल जाए, बट ये भी है ना कि ऑब्वियसली ऑफिस की बातें होती हैं, काम है, ऑफिस है, वर्क है, और इतना सब मतलब यू नो मैं बर्डन नहीं कहूंगा, इट्स यू नो एवरीबडी इज यू नो फीलिंग दिस काइंड ऑफ प्रेशर एवरी डे, सो आई कैन अंडरस्टैंड रियली नाउ कि कहाँ से और कैसे लोग गुजरते हैं जब बात आती है हॉबी, अपने हॉबी पे यू नो मतलब डेली अपने हॉबी को करने की, मतलब ऐसा लगता है धीरे धीरे। तो क्या कह सकते हैं यार, मतलब बहुत अजीब सा लगता है ऐसा बोलने में, बट आई थिंक आई रियली शुड यू नो स्टार्ट डूइंग इट यू नो बिसाइड्स कीपिंग ऑल दिस नेगेटिविटी, और वो तो होता ही रहता है यू नो नेगेटिविटी आती रहती है, बट ये है कि मतलब जब प्रेशर प्रेशर या रहता है ना दिमाग में आपका कि करो 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 करो, आपको काम है काम है, ऑब्वियसली यू नो वर्क इज द मेन प्रायोरिटी, ऑब्वियसली आपको काम को ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए रैदर देन कि आप हॉबी पे ही अपना टाइम वेस्ट करते रहो, तो वो तो करते ही हैं। बट द थिंग इज कि यार कभी कभार ये हॉबीज होती है ना, लोग कहते हैं स्ट्रेस बस्टर होता है, बट आई थिंक कि कभी कभार लोग इस चीज़ को भी एक्सेप्ट करेंगे कि नेगेटिविटी के टाइम पे ना स्ट्रेस बस्टर बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेस दे भी सकता है, ऐसा कभी कभार होता है यू नो, कभी कभार जो चीज़ यू नो थिंग्स आर नॉट गोइंग इन योर वे, और हॉबी में भी आपका ऐसा रहता है कि थिंग्स आर रियली नॉट गोइंग इन योर वे और उसमें और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है।
तो इट्स सेम थिंग इज हैपनिंग टू मी, मतलब बहुत अजीब सा ऐसा हो रहता है कभी कभार, तो क्या कहें यार, फिर कभी देखते। चलो अभी अगर टाइम मिला तो मैं जरूर करूंगा, अगर अभी मेरा करने का मन करा तो मैं करूंगा, मन मेरा होता है फिर उसका मन मेरा बैठ जाता है, ऐसा मेरा रहता है, तो क्या करें यार। तो फाइनली खाना हमारा हो चुका है, आज खाया था चिला, एज यूजुअल चिला ही खाते हैं हम लोग, बट जैसे अभी कहा था, अभी मतलब एंड के टाइम पे कहा था मम्मी से मिला लेंगे, बट अभी मतलब आप समझ ही सकते हो इतना वो थकी हुई है, अब तो सो ही गई है बिल्कुल ही, तो इसलिए थोड़ी सी आवाज़ कम करके बोल रहा हूँ। तो अभी जस्ट मतलब आ गई थी घर, फिर उसके बाद हमको सीधा खाना खा के सोने का मन कर रहा था, तो हम लोग भी क्या बोलते तो सो ही गई, और नाउ शी इज राइट नाउ स्लीपिंग, और पापा भी अभी सोने गए। सोने जा रहे हो पापा? गए पापा भी गए सोने, तो अब दोनों गए सोने, मैं भी चलता हूँ सोने। और भाई साहब आज क्या दिन रहा, कुछ भी नहीं कर पाया लिटरली, आज और दिमाग मेरा और खराब हुआ, आप लोग समझ ही सकते हो क्यों। अगर आपको थोड़ा सा भी लगे कि यू नो समथिंग इज गोइंग रॉन्ग विथ मी, तो आप यू नो मोटिवेशन, ऑब्वियसली आई एम मोटिवेटेड एवरी डे, बट अगर आपको लगता है कि यू नो कि देर इज समथिंग दैट यू कैन यू नो एडवाइस मी, सो यू आर मोस्ट वेलकम, तो ज़रूर करो। और अभी यहाँ से मैं जाता हूँ सोने, बिल्कुल ही यू नो आज का दिन थोड़ा सा मतलब ऐसा सा गया, और घर पे ही रहा आज, और आई थिंक इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि अगर आज मैं घर से बाहर ही निकलता तो शायद ही मेरा मन कहीं लग पाता, तो आई थिंक घर पे ही रहा तो सही डिसीजन रहा था। और जहाँ मैं बात कर रहा था जाने की, उस वक्त मेड आ गई थी, और फिर इसके बाद तो जाना बिल्कुल ही कैंसिल हो गया था, कहीं भी नहीं जा पाता, तो चलो कोई नहीं, आज का दिन ठीक गया। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना सबके साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ, जिसके साथ भी करना हो जरूर करना, और सब्सक्राइब का बटन दबा देना इधर, तो जिनको दिख रहा है लाल बटन है तो ग्रे में कन्वर्ट कर दो, तो सब्सक्राइब हो जाओ, मेरी जर्नी में हमेशा शामिल हो जाओ, और उसके साथ साथ जब सब्सक्राइब का बटन दबा दोगे तो नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना साथ साथ, मतलब बुलेट की तेजी से सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दो, ताकि आप मेरी वीडियो टाइम पे देख पाओ, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आपके दिमाग में सस्पेंस बना रहे। मेरे हिसाब से बहुत अच्छी वीडियोस आती है, मगर आपकी क्या राय है मैं जरूर सुनना चाहूंगा कमेंट सेक्शन में, तो जरूर कमेंट करो और जरूर बताओ कि वीडियो कैसी लगी, और जिनको राय देनी हो और जिनको मतलब कुछ इम्प्रूवमेंट करने के लिए बोलना हो तो जरूर बोल सकता है, जरूर कमेंट करो, और इट वुड बी अ गुड थिंग फॉर मी, आप लोग मेरे को एडवाइस कर रहे हो, तो आज के लिए बस इतना ही, एंड अंटिल देन हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट नाइट, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट टाइम।